मौलाना रूमी फरमाते हैं, इंसान को परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए। हर परेशानी के बाद रात ज़रूर आती है। किसी भी तकलीफ पर अल्लाह से बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। वो शख्स काबिल मुबारक है जो मरने से पहले मर गया, यानी मरने से पहले इस दुनिया की असल का पता चला। गुनाहों से नेकी अच्छी, रस्म से सुन्नत अच्छी, और फजूल बातों से ज़रूर कबूल होगी तुम्हारी दुआएं। ये वादा है तुमसे अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए खैर ज़रूर करता, मगर वो करता नहीं, ना तुम्हारी दुआओं को और ना अपने वादे को। अल्लाह तो मोहब्बतों का आमीन है, फिर वो कैसे तुम्हें तुम्हारी जान से महरूम रख सकता है। तुम ईमान तो रखो अल्लाह पर, वो बेहतर लेकर बेहतरीन अदा करे। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं अल्लाह उनके लिए वसीले बना ही देता है। दुआ गिरते हुए वो थाम लेती है और बिगड़े हुए को समेट लेती है। अगर अल्लाह ने वो ले लिया है जिसे कोने को तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो यकीन है वो कुछ ऐसा नहीं देगा जिसे पाने को तुमने सोचा भी नहीं। दोनों सूरत यकीन है, कोई अल्लाह को सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है। अल्लाह का वादा है जो तेरे नसीब में है तुझे ज़रूर मिलेगा, चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियाने की ना हो। जो तेरे नसीब में नहीं वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो तेरे दो औरतों के दरमियाने की ना हो। अगर मुझे मेरे इंसान से मोहब्बत करना नसीब हो, एक जाए मुझे अल्लाह दर्जे बेहतर है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा जहर क्या है, मौलाना रूमी ने फरमाया हर वो चीज़